हाँ रानी जी, ये इनके पहले छोटे भाई जो है वो बिहार पुलिस में आपके साथ दौड़ चुके हैं, उनका नाम है लल्लू प्रसाद। उन्होंने उससे पहले इनकी भाभी की सिस्टर, ये सब यहीं का प्रोडक्ट है। ये लगता है पांचवा है, ग्रुप डी वाला भी यही ना। अब एक घर में पांच पांच नौकरी लेके यहाँ जा रहे हैं, फिर भी मुद्दा खराब है नहीं भाई। तब रानी जी बताइए कि आपके घर में पांच आदमी इसके माध्यम से नौकरी कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? पांचवे आप ही? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। अब अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रानी सिन्हा है और मैं नालंदा जिला से बिलोंग करती हूँ। मैं बुद्धा में करीब 20 से 25 दिन पहले आई थी, जब मेरा मेंस क्लियर हुआ था। तो मैं आई थी तो मैं एवरेज स्टूडेंट थी, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी भी नहीं थी। मतलब रनिंग लगभग 6 मिनट में कंप्लीट होता था, बट सर के ट्रेनिंग से मेरा रनिंग लगभग 4:30 और 4:45 लास्ट होता था। ये वो लड़कियां ध्यान देंगे, एक दरोगा की लड़की 20 दिन में 4:30 मिनट में जब आ सकती है, तो जो कांस्टेबल में जाने वाली लड़कियां हैं वो 3:30 में आ सकती है। बिल्कुल, मेरा लास्ट रिकॉर्ड जब दरोगा तुमसे तेज दौड़े तो कोची का सिपाही, जिस थाना में दरोगा है वो 4 मिनट में दौड़े तैयार है, सिपाही बोले सर हम 5 मिनट में आते हैं। अच्छा लगेगा भाई, दरोगा आपसे पीछे रहना चाहिए, खासकर फायरमैन पार्टी। हाँ बताओ रानी। फिर जब मैं आई तो रनिंग तो ठीक हो गया, बट हाई जंप बहुत मुश्किल से सीखे। मतलब इस फील्ड में मेरे से ज़्यादा तो कोई नहीं रोया होगा, जितना मतलब दो दो दिन पे रोते रहते थे बैठ के। मोस्टली लोग बोलते थे कि आप क्यों रो रही हैं, मतलब हो जाएगा, बट ऐसा कभी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हो जाएगा। जब गद्दा था तो मतलब हाई जंप कर लेते थे, लेकिन जैसे ही गद्दा चेंज हुआ और बालू मतलब दिया गया तो मतलब पूरा अच्छा, बालू तो अगले दिन लाके दे देते हैं भाई। बिल्कुल सर, मतलब कोई वैसा अगले दिन 2-3 गाड़ी बालू गिरवा दिए। यहाँ आया बालू, आया बालू में प्रैक्टिस किए तो मतलब लास्ट अब हार चुके थे, लग रहा था कि नहीं हो पाएगा मतलब। लेकिन सर कुछ टेक्निक बताया जिससे कि पैर पे बैलेंस करना सीख गए और होने लगा था, कभी होता था कभी नहीं होता था। बट लॉन्ग जंप में भी मेरा यही हाल था, मतलब हम अंदर से ये लगता था कि मेरा नहीं हो पाएगा, हम तो हमेशा रोते थे। मतलब मेरे से ज़्यादा इस कैंपस में कोई नहीं रोया होगा, लेकिन अच्छा है कि यहाँ ही रोना पड़ा। जब वहाँ गए तो मतलब कुछ वैसा फील नहीं हुआ, जैसे ग्राउंड के अंदर मतलब ये किए ना, रनिंग का ग्राउंड देखें, वो लग रहा था कि कुछ नहीं, अगर मेरे को 2 बार भी 3 राउंड दौड़ाया जाएगा ना तो हम कर लेंगे इजीली, ऐसा फील हुआ। रनिंग तो मेरा ठीक था, तो लगा कि चलो ठीक है रनिंग कर लिए। शॉर्ट पुट भी मतलब बहुत नॉर्मल था वहाँ का, 10 फीट लग नहीं रहा था कि 10 फीट है, करीब हम कम से कम तो वहाँ 15 फीट फेंके होंगे इजीली। और उसके बाद जब हाई जंप और लॉन्ग जंप की बारी थी, हाई जंप में जितना मतलब मेरे अंदर डर था ना, लग रहा था कि अगर फेल होंगे ना तो इसी में होंगे, लेकिन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हाई जंप ही क्लियर हो गया, वो बस यहाँ के कॉन्फिडेंस के कारण। यहाँ तक कॉन्फिडेंस नहीं रानी, जो लड़के और लड़कियाँ, ये पूरी टीम जो सपोर्ट की और तुमको एक काम को 10 बार 50 बार करवाया। बिल्कुल सर, उसके लिए हम आर्मी के स्टूडेंट को थैंक यू एकदम दिल से बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो जितना मेहनत मेरे पीछे की है आर्मी का स्टूडेंट, स्पेशली कुछ स्टूडेंट है जो मतलब दोपहर में भी 12 बजे, रात को भी 9 बजे मेरे पीछे एकदम लगे रहते थे कि मतलब नहीं आपका हो जाएगा, आप कर लोगे। तो थैंक यू सो मच आर्मी के स्टूडेंट जो भी मेरे पीछे मेहनत किया, और मोस्टली लोग जो रनिंग में पीछे पीछे दौड़ते थे और दौड़ाते थे उनको, मतलब जितना भी हार्डवर्क करना पड़ा यहाँ, वहाँ जाके मतलब हलवा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है ईजिली पास कर लेंगे। लॉन्ग जंप तो लगभग हम यहाँ लाइन पे ही हमेशा गिरते थे, लेकिन वहाँ लाइन से हम 2 फीट आगे जंप किए थे। इसके लिए अप्रिशिएशन भी मिला था ऑफिसर लोग से कि मतलब आपको एक चीज बता दूं मैं, जिस दिन इसका फाइनल टच था दौड़ का, ये बुलेट के 20 की रफ्तार से दौड़ी थी 3 राउंड। बिल्कुल सर, आप जोरदार तालियां। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी थी ये, लास्ट में तुम से आगे कौन निकल गई थी? कुमारी प्रीति ने, प्रीति रंजन को हम बोले प्रीति रंजन ये देख लगड़ा घोड़ा कितना तेज दौड़ रहा, बोले हैं वो इसको आग काट दी। काटी ना लास्ट मोमेंट में काटी, 5 सेकंड पहले 2 सेकंड पहले, बस हम बोले कि हम ये देख ही ही ही। बोले हाँ सर तब की दौड़ फिर, लेकिन इसको क्या हुआ, हम खाली इसको बोले कि आज तेरा फाइनल है, तो गिरेगी तो इसी पर टांग के तेरे को लेकर अस्पताल में भर्ती कर दे, लेकिन आप रुकेगी नहीं। तो लगता 4:20 या 4:30 में मारी थी, 4:30 लगा था। इसने हिम्मत नहीं आ रहा है, कहीं से लड़के लोग अगर ये 20 में दौड़ते तो लड़का
कितना? 30 की रफ्तार चाहिए मेरे को लड़कों का, और अब कर सकते हैं। विकेश कहाँ है? इधर आ, थोड़ा थी कल थोड़ा थे 30 की रफ्तार, आज थोड़ा थे ना, आज एक आदमी 30 की रफ्तार को मेंटेन किया था खाली, जैसे इसने 30 की रफ्तार पकड़ा बाकी लोग ऐसे छूट गए जैसे कि थे ही नहीं रेस में। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जो है 30 की रफ्तार फॉलो करेंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे। मेरे को 1600 मीटर 4 मिनट 5 मिनट से मतलब नहीं है, आपका रफ्तार चाहिए मेरे को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चाहिए। फिर देखिए अग्निवीर में एक भी आदमी मेरा नहीं छड़ेगा, ये मैं लिख के दूंगा 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको, अगर छड़ जाए तो अपनी फीस वापस लेके जाए मेरे से, लेकिन जो मेरी शर्त है उसके अनुसार रहेगा, ना एबसेंट होगा, जितना वर्कआउट कराऊंगा करेगा। अभी उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं जो बाहर र्यूमर्स फैला रखे हैं, जैसे मैं भी यहाँ आई थी तो मुझे भी बहुत लोगों ने कहा था कि बुद्धा मत जाओ, वहाँ बहुत पैसा लेते हैं सर, और दूसरा क्या है कि कमजोर स्टूडेंट पे बिल्कुल नहीं ध्यान देते, उनको बस 5 या 10 रिजल्ट से मतलब होता है, तो मत जाओ, हम लोग आपस में ग्रुप बनाकर कर लेंगे। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि र्यूमर्स पे ध्यान ना दें, पैसा सेकेंडरी चीज है, पहले आप आए सर से बात करें, जैसा सिचुएशन होता है वो तो मतलब ये काम है सर का कि वो काम करेंगे, तो कोई फ्री में तो करेगा नहीं आपके लिए, लेकिन जो होता है सिचुएशन के अनुसार सर कम या बढ़ाकर लेते ही हैं। लेकिन बुद्धा का सबसे ज़्यादा अगर कुछ मुझे पसंद आया है तो यहाँ का डिसिप्लिन और मतलब सेफ्टी, जो लड़कियों के लिए तो स्पेशली बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ग्राउंड में आप जाकर रनिंग करते रहोगे अकेले तो मतलब कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ एक सेफ्टी है, डिसिप्लिन है, जो लगता है एक बुद्धा मान लीजिए तो एक परिवार है जहाँ आपको बिल्कुल घर जैसी फीलिंग्स आएगी। तो र्यूमर्स पे ध्यान ना दें, एक बार जरूर आए बुद्धा, और जिसे भी जरूरत हो और सर से संपर्क करें, पैसे पे ध्यान ना दें, पैसा सेकेंडरी चीज होती है, प्रायोरिटी होती है रिजल्ट, जो यहाँ से 100% सर गारंटी लेते हैं करवाने का। अब एक चीज बताता हूँ, एक खास बात जो आप लोग को जान करके अच्छा लगेगा और जो असामाजिक तत्व उनके लिए खराब लगेगा, जो लड़कियाँ बुद्धा की टी शर्ट पहन के घूमती है ना सुबह या शाम जब भी जाती है, आज तक कोई कंप्लेन नहीं आया। जी सर। कंप्लेन क्यों नहीं आया उसको पता है? कि यहाँ का जो आदमी है, जो आप यहाँ से गुजरते हैं, हर आदमी आपको सपोर्ट में रहता है। कारण क्या है? आप पे विश्वास है कि यहाँ के लड़के लड़कियाँ डिसिप्लिन है, और यही कारण है सेफ्टी का। और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप बरकरार रखें, जो भी बूढ़ा बुजुर्ग जब लगता है कि आप मदद कर सकते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है जरूर मदद कीजिए, आप जब मदद करेंगे वही आपको रिटर्न बैक मिलता है, ठीक है? तो दोस्तों मैं लास्ट में ये कहूँगा कि जो भी लड़का लड़की वर्दी पहनना चाहता है तो निसंकोच अपने परिवार कैसे समझे, बड़ा भाई समझ के पाइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कामयाब होंगे। थैंक यू, जय हिंद सर।